मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को पॉर्न और अश्लील फिल्में बनाने और उसे बाहर बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से ही राज कुंद्रा न्यायिक हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ में क्राइम ब्रांच द्वारा जांच में हर रोज राज कुंद्रा के कारनामों का नया नया डर्टी पिक्चर सामने आ रहा है। इसके बाद से पॉर्न फिल्म बनाने में कई लोगों और एक्ट्रेस के नाम सामने आ रहे हैं। अब कोलकाता पुलिस ने एक मॉडल से एक्टर बनी 30 साल की नंदिता दत्त और मैनाक घोष को पॉर्न फिल्म में बनाने और दो युवतियों को डराने धमकाने और उनसे जबरदस्ती अश्लील फिल्मों में काम कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों को दमदम से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अभियुक्तों से पूछताछ कर पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनका राज कुंद्रा से कोई संबंध है या नहीं। बता दें नंदिता दत्त मॉडलिंग से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। पुलिस का कहना है कि इन दोनों पर आरोप है कि ये लोग नई लड़कियों को वेब सीरीज में काम करने का लालच देकर और डरा धमका कर अश्लील फिल्में शूट करते थे। पुलिस ने आगे भी बताया कि नंदिता दत्त खुद भी अश्लील फिल्मों में काम कर चुकी है जिसमें उसके किरदार का नाम नैन्सी भाभी होता था। घटना के संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें 26 जुलाई को दो युवतियों ने नंदिता और मैनाक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद इन दोनों को पुलिस ने उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार कुछ महीनों पहले पीड़ित युवतियों की पहचान सोशल मीडिया के जरिए अभियुक्त नंदिता दत्त से हुई थी। आरोप है कि जनवरी 2021 में इनमें से एक युवती की फेसबुक पर एक शख्स से बातचीत हुई। कथित तौर पर पीड़िता को साड़ी वीडियो शूट करने का ऑफर करीब 3,500 रुपए में मिला था। पीड़ित मॉडल पैसे की जरूरत के चलते तैयार हो गई थी। पीड़िता कोलकाता के बालीगंज स्टेशन पर पहुंची और फिर वहां से एक फ्लैट पर गई। फ्लैट पर साड़ी के सूट के बदले पॉर्न शूट करने के लिए कहा गया जिसे पहले मॉडल ने इनकार कर दिया। उसके बाद युवती को बहला फुसला कर अश्लील फिल्मों में काम कराया गया और उससे कहा गया कि इसे विदेशों में दिखाया जाएगा। बाद में फिल्म बनकर तैयार होने पर उसे अश्लील साइट पर पोस्ट कर दिया गया। जब पीड़िता के आस पड़ोस के लोग इस विषय पर पूछने लगे तो उन्होंने देखा कि उनका वीडियो भारतीय वेब पोर्टल्स पर उपलब्ध है। इसके बाद फिल्म बनाने वालों से बार बार अनुरोध करने के बावजूद उसे वेबसाइट से नहीं हटाया गया। इसके बाद पीड़ित युवतियों ने 26 जुलाई को न्यू टाउन थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर न्यू टाउन थाने की पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करते हुए अभियुक्त मैनाक घोष और नंदिता दत्त को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों को 12/7 अदालत में पेश किए जाने पर जज ने 4 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस मामले में कुल 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस मामले में फरार अन्य लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है हम लोग नंदिता दत्त और उसके अन्य साथियों के बारे में गहन जांच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां ये संगठित तरीके से पॉर्न और अश्लील कॉन्टेंट शूट करते थे। यह भी पता लगाया जाएगा कि इन वीडियोस को कहां बेचा जाता था और ये लोग किसी बड़े पॉर्न रैकेट का हिस्सा तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट पब्लिक न्यूज़।